तो ये लगातार जब से आए हैं पिछले 5 साल इन्होंने पूरा किया है, शायद ही कभी धरती पर रहे हैं भारत की, पर ज़्यादातर विदेशों में भ्रमण किया है, तो क्या ये खर्चे नहीं हो रहे? ये आम जनता का पैसा लग रहा है इसके ऊपर, और उस खर्चे से फ़ायदा क्या हुआ है? कोई वहाँ से हमें विदेशों से कुछ भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जिससे हमारे देश को कल को फायदा हो या हमारी अर्थव्यवस्था जिससे सुधरे। तो ये अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के लिए लगातार 5 साल इन्होंने लगाए हैं, और दोबारा फिर बिना चुने हुए ईवीएम की मेहरबानी से ये फिर आ गए हैं, और अब देश की हालत क्या करेंगे ये आप देखते जाइए। हमारी GDP बर्बाद हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है निशा और आपका हमारे चैनल SFM न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ है फौजी जनता पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष राम महल मलिक जी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तो इसे कैसे सुधारा जा सकता है? निशा, बहुत ही गजब सवाल आपने किया है। ये देश का आज का ज्वलंत मुद्दा है। हमारी एक्चुअली अर्थव्यवस्था खराब होने का कारण एकमात्र यही है कि 72 साल से देश जब से आज़ाद हुआ है, देश के अंदर कोई भी सरकार या कोई भी नेता जवाबदेह नहीं रहा है, देश के प्रति या देश की जनता के प्रति कभी जवाबदेह नहीं रहा। यानी नाजायज़ खर्चे हमेशा से बढ़ते जा रहे हैं, और जितने खर्चे सारे देश के ऊपर हो रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चे तो ये नेता अपने ऊपर करते हैं। इनके बंगले इतने बड़े बड़े हैं, इनकी गाड़ियाँ आप देखिए, इनके ऐशो आराम देखिए, इनके खाने पीने के आप देखिए, ये इतने बढ़ते जा रहे हैं। ये एक आम इंसान की ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते हैं? जब हम और आप सादा खाना खा के सादी गाड़ियों में जाके हम रह सकते, तो इनको क्या दिक्कत है? इनको छोटी छोटे मकानों में क्यों नहीं रह सकते? अब आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय बड़े बड़े वादे करके आए थे, बहुत लंबे वादे करके आए थे, लेकिन वो कहीं भी खरे नहीं उतरे हैं। मैं बल्कि अगर ये कहूँ कि ये प्रधानमंत्री हमारे आज तक 72 साल में सबसे निकम्मे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, सबसे झूठे। इतनी झूठ जितनी इनकी सरकार ने और इन्होंने खुद प्रधानमंत्री ने जितनी झूठ बोली आज तक, इतनी झूठ कभी किसी ने नहीं बोली है। अब देखिए, विदेशों के दौरे लोग तो इनको, बल्कि इनके हालात को देख करके, इनके काम करने के ढंग को देख कर लोग इनको NRI प्रधानमंत्री बोल गए हैं। और जब जब ये आते हैं वापस भारत में दौरा करके, तो दुनिया कहती है आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भारत आए हैं। यहाँ तक भी लोग कह रहे हैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री भारत आया है, तो कितनी दुख की बात है। तो ये लगातार जब से आए हैं पिछले 5 साल इन्होंने पूरा किया है, शायद ही कभी धरती पर रहे हैं भारत की, पर ज़्यादातर विदेशों में भ्रमण किया है, तो क्या ये खर्चे नहीं हो रहे? ये आम जनता का पैसा लग रहा है इसके ऊपर, और उस खर्चे से फ़ायदा क्या हुआ है? कोई वहाँ से हमें विदेशों से कुछ भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जिससे हमारे देश को कल को फायदा हो या हमारी अर्थव्यवस्था जिससे सुधरे। तो ये अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के लिए लगातार 5 साल इन्होंने लगाए हैं, और दोबारा फिर बिना चुने हुए ईवीएम की मेहरबानी से ये फिर आ गए हैं, और अब देश की हालत क्या करेंगे ये आप देखते जाइए। हमारी GDP बर्बाद हो चुकी है। हमारी अब अर्थव्यवस्था, जब तक ये लोग रहेंगे, ये मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये सुधार करेंगे अर्थव्यवस्था में। क्योंकि अब किसान, देखिए किसान मरता जा रहा है, महंगाई इतनी है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि किसान को किस तरीके से उसको जिंदा रखा जाए। किसान मर रहे हैं लगातार, भूखमरी इतनी हो रही है देश में, गरीब को कोई काम नहीं मिल रहा है। पीछे इन्होंने नोटबंदी किया था, नोटबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था और बर्बाद हुई है, बहुत सारे नाजायज खर्चे पड़े हैं उसके अंदर। उस नोटबंदी से देश में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, देश की जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, निशा नुकसान ही हुआ है। कितने लोग मर रहे हैं, और उस टाइम जब नोटबंदी के टाइम में लोग जाकर के लाइनों में लगे लगे उनकी मौतें हुई हैं, लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहाँ पर, और देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने GST लागू किया, बिना सोचे समझे, बिना उसका होमवर्क किए इन्होंने लागू किया है। उससे हमारे कारोबार ठप हो गए हैं, कितने मध्यम वर्ग के कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गए हैं, और बड़े बड़े उद्योग घराने भी ठप हो गए हैं। और आप आज आप देखिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बड़ी बड़ी कंपनियां, कार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। जितनी एयरलाइंस थी वो अपने कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। सारी इन्होंने इकॉनमी को तोड़ के रख दिया, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। तो जब तक ये रहेंगे, क्योंकि इनकी सोच नहीं है उस टाइप की कि ये देश को मजबूती दें, अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, इनकी कोई सोच नहीं है। इनको एक ही रास्ता है कि इनको जल्दी से जल्दी इनको उखाड़ा जाए, और एक ईमानदार सरकार देश में बनाई जाए। मैं समझता हूँ फौजियों से ज़्यादा ईमानदार सारी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है कि फौजी बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है, सरहद के ऊपर रहता है, पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ सेवा करता है, और ये वहाँ तैनात रहता है, इसीलिए देश सुरक्षित है, इसलिए देश के कारखाने चल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सैनिकों के नेतृत्व की सरकार वहाँ बने, और वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाएंगे। इस सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इनके नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके शौक ज़्यादा हैं, नाजायज़ खर्चे करने के शौक ज़्यादा हैं, और आम आदमी की ज़िंदगी ये जीना ही नहीं चाहते। तो जब ये इनकी सोच इतनी है कि आधा पैसा देश के ऊपर अलग खर्च हो रहा है, इनके ऊपर आधा देश का अलग हो रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। नहीं सर,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।